मिक्सी खराब हो गई। कांच की गिलास लाए, उसमें से एक तोड़ भी दिया। पतिदेव बना रहे रोटी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई व्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल का जो व्लॉग था हिमाचल वाला, वो बहुत ज्यादा लंबा था। वो एडिट करने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए। बड़ी मुश्किल से उसको एडिट करके मैंने अपलोड किया है। आज मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल, और जो घर में माहौल है मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ। दीदी लगे हुए हैं इधर किचन का कामकाज करने। घर में बहुत वैसे अभी फैला हुआ है हर सामान, क्योंकि मम्मी लगी हुई है मेरा सूट सिलने। ये मम्मी ने मुझे सूट गिफ्ट किया है, और ये सूट अभी मम्मी पूरा मेरे को सिल के रेडी करके देने वाली है। नन्नू की इधर आज क्लास लगी हुई है। 2-3 दिन से नन्नू ने पढ़ाई नहीं करी थी, तो नन्नू को बिठाया है पढ़ाई करने। नन्नू का तो बीपी लो हो गया, जैसी पढ़ाई करने के लिए बोला इसको। है नन्नू, पढ़ाई करनी पड़ रही है, नहीं पढ़ना। हर बच्चे की यही प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई नहीं करनी। मम्मी इधर बेचारे परेशान घूम रहे हैं। मम्मी क्या नहीं मिल रहा आपको? यार जिप्पा रखियां सी कट्ठियां, जब तेरा ना वो सीता सी ना ब्लाउज, हाँ वो पता नहीं कहाँ रख हो गई, वो मिल नहीं रही है, और सूट में जिप लगानी है। अरे यार फिर अब मार्केट में भेजा था ऋषि को लेने, वहां से भी मिली नहीं, कलर नहीं मिल रही, याद नहीं आ रहा कहाँ रखी हुई है। ये नोबिता हमारा क्या कर रहा है भाई? देखो मैंने देखो मम्मी ने मेरे को न्यू स्टाइल, वो आजकल जो ये अफगानी स्टाइल सलवार चल रही है वो सिल के दी है। डिजाइनर मम्मी है मेरी। शर्ट मम्मी अभी सिल रहे हैं और मैं करने लगी हूँ अपनी पैकिंग। ये बड़ा बैग मैं वहां से लेके आई थी, इसमें अपना सामान भर के, अभी बहुत सारा भर भी लिया है मैंने, और भरूंगी फिर इसको लेके जाना है। ये मेरी किताबें वगैरह, स्टडी टेबल, बहुत सारा सामान है मेरे। मैं और दीदी जा रहे हैं सबसे पहले जिप लेने, जिप लेके आके फिर मैं पैकिंग शुरू करती हूँ। नोबिता, नोबिता को चिंता होगी है कि पता नहीं मम्मा कहाँ जा रही मुझे छोड़ के। बिल्कुल एग्जैक्ट कलर तो नहीं मिला, लेकिन कुछ मिलता जुलता मिल गया है। पता नहीं मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं, घर जाके देखते हैं। ये भाग भाग के मैं और दीदी जाके लेके आए हैं। ठीक है मम्मी? ठीक है, काम चलाने के लिए तो ठीक है, बस काम चल जाए। इधर देखो पूरा तामझाम फैला हुआ है, मेरा सामान जो मैंने लेके जाना है खत्म ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या ले जाऊं क्या ना ले जाऊं। और मम्मी पूरे जोर से लगे हुए हैं यहाँ पे सूट को कंप्लीट करने। मम्मी स्टिल लगे हुए हैं सूट को सिलने के लिए कुछ कुछ, और डाइनिंग टेबल पूरा मम्मी ने ऑक्यूपाई कर रखा है क्योंकि सूट सिल रहे हैं। और मैं खाने लगी हूँ रोटी। पैकिंग काफी हद तक हो गई है, अभी भी बहुत कंफ्यूजन है कहाँ क्या छोड़ के जाना है क्या लेके जाना है। तो अभी मैं पहले रोटी खाती हूँ, उसके बाद देखते हैं। टैन टैन है, मैं तैयार हो गई हूँ। देखो मैंने सूट सिला के पहन भी लिया है। मम्मी अभी दुपट्टे को उलेडी कर रही है, दुपट्टा फोल्ड करना है किनारी से, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी। सामान भी ऑलमोस्ट बैग में रख लिया, कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ चीजें छोटी मोटी हैं जो रह गई हैं, वो मैं बैग में रखे फिर फटाफट से निकल जाऊंगी। आने से पहले सोचा एक न्यूटेला का ब्रेड पीस भी खा ही लेती हूँ। कुड़ी भी ताडी सोहनी लगदी पई आ। चंगी तरह मिलो हम जल्दी, जेड़ा अच्छी तरीके से मिलो। नहीं कर दी तुसी कर ले। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा अच्छी तरीके से मिलो, पता नहीं कब चक्कर लगेगा मैडम जी का। नहीं नहीं लग जाएगा, जल्दी जल्दी लग जाएगा, जवाई साडा वधिया है, ठीक है ना, लगा देगा चक्कर छेती तो छेती। दोनों इक्को जी हो गए हुण, इन्नी इन्नी कमर वाले। लो जी हो गया फोटन सेशन चालू। ना हिलदी पई है प्रिया, तू भरे भरे है। ये आटे छान रहे थे ना, आए हुए मिलाप हो रहा है बहनों बहनों का, इतने अच्छे से मिलाप हो रहा है। सर लग गया नन्नू। हाँ नन्नू देखो इसका सिर लग रह गया था, नन्नू बताने आया कि आपका सिर लग रह गया है, नन्नू ढूंढ के लाया है सिर लग। दिखा, ओहो ये कब बैठा अंदर, इसको पहली पड़ी थी बैठा हुआ है।
हाँ। चक्कर में तो मुझे एसी ऑन करना पड़ा पहले, वही ना बता। मम्मी ने कमाल दिखा दिया अपना, पता नहीं ऋषि भी आया मिलना। बाय ऋषि। ये तो वही वाला है ना, ये हाँ रुबी वाला है, बीगल है ये, बीगल है, बीगल ये, बीगल है, बीगल छोटा छो बेबी प्योरा प्योरा छो। बाय 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 बाय, चोट लग जाएगी। बाय आंटी, घर से निकल गई थी अच्छा टाटा बाय बाय करके, नोबिता भी साथ में ही है। मैं दूसरा फोन घर पे ही भूल गई हूँ, हेडफोन्स भी घर पे ही भूल गई हूँ, तो अभी मैं वापस जा रही हूँ अपने हेडफोन्स और फोन लेने। दीदी और सिया मुझे फोन देने आए हैं वापस, फोन और मेरे हेडफोन्स, ये जरूरी चीज थी, थैंक यू। ओए बाहर नहीं जाना नोबिता, और रेल भी सीगी ओदे वास्ते, ठीक है ड्रेस वास्ते, और डेगगी रास्ते च काली काली, चलो ठीक है ले लियो ओथे, ठीक है बाय बाय। ख्याल ना हमको छोड़ता नहीं करना। लुधियाना पहुंच गई हूँ और लुधियाना में हो रही है बारिश, अच्छा अच्छा मौसम, भगवान जी पटियाला में भी बारिश करवा देना ताकि मौसम अच्छा अच्छा रहे। मैं पहुंच गई हूँ घर और मम्मी इधर पौधों को पानी दे रही है, पाइप लगाई हुई है। वो देखो दादी मम्मा, दादी मम्मा, वो देखो उधर उधर, वो देखो दादी मम्मा, वो दे उधर उधर, वो देखो आए हाय दादी मम्मा। आ गया तू आ गया, आयो 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 आयो। नमस्ते मम्मा, ठीक हो? हाँ जी, आप कैसे हो? बढ़िया। देखो पति देव घर आए हैं, मम्मी अभी पौधों को पानी दे रहे हैं और ये जिम से आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है गंजा उठे, कितना अच्छा लग रहा है, क्यूटू लग रहा है, छोटू छोटू बेबी, छोटा छोटा सा लग रहा है, छोटा छोटा। इतना प्यार करना है अपने बाप को, मम्मी को तो ऐसे पड़ता है, ऐसे पड़ता है मम्मी को। ये देखो ये देखो, अब प्यार हो रहा है, पहले पहचान, खुजी करो, खुजी करो उसे, लो अब हाथ रोको, अब वो फिर से कहेगा खुजी करो, ये देखो खुजी कर लो पापा। आज ना मैं घर का सारा काम कर रहा था। क्या क्या किया आपने सुबह से? आप मेरे ब्लॉग में देख लेना। ये देख लो गिरीश पौधों को पानी लगा के खुद जिम गए थे और अब मम्मी की हेल्प कर रहे हैं पाइप समेटने में। ये देखिए बाद में मम्मी ने थोड़ा संभाला था, पानी कहाँ कहाँ कैसे डालना है वो मम्मी ने किया, मैं तो लगा के गया था बस। और मैंने अपना ब्लॉग एंड कर दिया था पहले, काम में कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। अब सामान निकाला जा रहा है गाड़ी से। अचार भी लेके आए हो? ये अचार दीदी ने ऐसी, वो अम्बी आई थी कल सीमा आंटी के घर से, तो उन्होंने ये करके दे दिया, कहते धूप लगवा लेना इसको। जिम लगा के शरीर दर्द हो रहा है यार। क्या फायदा ऐसे जिम का कि शरीर दर्द होने लग जाए। जो कहते थे ना ये चूड़ियां नहीं पहनती, ये देखो ये जनानी इतनी चूड़ियां ले आई है। लो मम्मी ये बन गई है जनानी मेरी घरवाली। श्याम चूड़ी बेचने आया, अमी चेतुमा छिन छिन छिन, शुभी चेतुमा छिन छिन छिन। पिता का सामान है ये, थोड़े से फुट गया है। तुम बड़े गुस्से में रिप्लाई कर रही थी, मैं पढ़ रही हूँ ये। वाह, अरे अरे और क्या, जब दिखाओ कहते पढ़ाई का शो ऑफ कर रही है, नहीं दिखाओ तो कहते अब पढ़ नहीं रही, हर चीज का मुद्दा बना लेते लोग। हमने हमारा रिजल्ट बोलेगा, हम नहीं बोलते, हमारा रिजल्ट बोलता है, इसलिए मैंने तो अब बोलना ही छोड़ दिया लोग को, क्योंकि कंप्लेंट भी है, मैं कम रिप्लाई नहीं करता हूँ, अब कम ही करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे कर्म बताते हैं हमारा रिप्लाई क्या है। जब आएगा मेरी घर वाली जेआरएफ क्लियर करेगी। आए हाय ऐसे पहले ही मत बोलो, मेहनत करूंगी मैं बस। यार लोगों के लिए ना बड़ा मुश्किल है, तो मैं सीरियस बहुत ज्यादा बड़ी कट ऑफ है, जात पात के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मगर क्या है कि हमें ना जनरल लोगों को बहुत ज्यादा ओवर मेहनत करनी पड़ती है, मगर जहाँ पे उनका जेआरएफ लग जाता है हमारी उतने में कट ऑफ भी नहीं आती है, ये दिक्कत हो रही है हमारे साथ, और इसी की वजह से एनएसडी में 4 बार सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ मैं जात पात के चक्कर में। लो ये क्या है मम्मी,
कहाँ कहाँ से सामान निकालू मैं। मम्मी पांच छह बंदे और बुला ला मल्ले के। आ गंदा हो जाएगा मेरा पर्स। लो घास में रख दिया। छी अब मैं रखूंगा, जगह ही नहीं है। मम्मी देख, ले मम्मी के रिएक्शन देख, ले ये स्टडी टेबल भी ले आई है। ये देखो इतनी जुतियां लाए हैं मेरे को मारने के लिए। खाते रहना बदल बदल के रोज। से चश्मा ले लेना, नोबू का टॉवल, मोबाइल भी, हेडफोन भी। एक बार दोस्तों मंजर देखिए, अभी भी पूरा सामान नहीं है। अरे ये तो बिल्कुल थोड़ा सा है सामान, मेरे को था कि इतना ज्यादा फिर क्या ही करना है, इसलिए मैं फिर लाई ही नहीं ज्यादा। मम्मी का रिएक्शन दिखाओ एक बार, ये थोड़ा सा सामान है। नमस्ते आंटी। ये देखो मेरा सामान, हर बार जब जाती है इतना सामान ले आती है। अभी भी पूरा नहीं आया है। पूरा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। सर्दियों के तो बहुत दूर की बात, अभी तो गर्मियों के भी पूरे नहीं है। ये तो मैं कुछ कुछ ले आई बस, थोड़े से। शुक्र है माता, जगह पहले नहीं है। अभी अभी मैंने मैंगो शेक बनाया था और मैंने उसको पिया, और मम्मी ने प्रभ के लिए लिमका लेके आई कि लिमका पी ले। तो ना मैं एक बहुत खतरनाक बात बताने वाला हूँ मम्मी को, पता नहीं मम्मी का रिएक्शन क्या होगा। क्या हो गया होगा, मिट्टी खराब होगी। दोस्तों आज देखा था आपने, उसमें मसाले बनाए थे हमने, पता नहीं जब भी मैं शेक बनाने लगता हूँ भाभी के घर में भी खराब होगी, यहाँ भी खराब होगी मम्मी। अब क्या करें, ठीक करा के ले और क्या करेगा तू। वो जाली है मम्मी, अच्छी वाली लेके आनी। 9 साल हो गए भाभी की शादी हुई, आज की नहीं है ये मिक्सी। अच्छा भाभी की शादी से याद रखी है। हां ना भाभी की शादी बाद, भाभी तो इनकी आपकी भाभी थोड़ी है, इनकी भाभी है। जब साल मैं दिखाता हूं, कुछ न कुछ कर ही जाएगा, कुछ न कुछ कर ही जाएगा। मम्मी तो हिलने लग गई, ऐसे ऐसे हिलती होती है। पता नहीं कैसे, पता है मेरे को समझ नहीं आती तेरा की काम बता। पता नहीं मच गई, मैं तेरा काम ही नहीं है। कोई काम ढंग से नहीं करता। पता नहीं क्या है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो ये नॉर्मल से बनाया, फुक गई, धुआं आया था एकदम। अच्छा मेरा नाम मुनिशी है, मैं इसे कहती हूँ हौली हौली चला, इतने मसाले बनाए और पता ही। मम्मी वैसे ही किया मैंने, ड्रु 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 कर दा फिर जाऊँ। पापा गाले करेंगे और उस दिन के क्या? पापा ने अपनी दवाइयाँ बनानी होती है इसमें। चलो बढ़िया, इसी बहाने दवाइयाँ रुकेंगी उनकी। नया ले आऊंगा। हैं मेरे को बोल रहे हैं कांच की गिलास लाए थे आपके सामने हम, है ना, फगवाड़ा से, उसमें से एक तोड़ भी दिया। अरे कितने टूट गए, हर बार कांच का सामान मम्मी ने तोड़ना होता है, अपनी बारी में मेरे से तो खराब हो गई। तभी तो मैं प्लास्टिक का रखती हूँ, तभी तो मैं प्लास्टिक का पक्का है। वो इतने अच्छे लंबे लंबे गिलास लाया मम्मी। अरे मैंने हाथ ज्यादा, महंगा भी कितना है वो। नहीं महंगे तो नहीं, ये सही नहीं है। सही नहीं, हाँ कांच का गिलास कोई सही नहीं है। पहले वो इतने अच्छे अच्छे थे, प्यारे प्यारे है ना, वो गोल गोल से ऊपर घूमने वाले, सारे तोड़ दिए। पता नहीं कैसे बर्तनों में तोड़, ऐसे फेंक फेंक के तोड़। अरे ऐसे कोई नहीं फेंकता, टूट जाते हैं। जल्दी जल्दी काम करते हैं ना मम्मी, तो जल्दी जल्दी में फिर कांच को सॉफ्टली हैंडल नहीं करते। मैं कुछ इधर करने लगी हूँ, दिखा भी नहीं मेरे को, एकदम ऐसे ऐसे नीचे को लटका बैठा। कहाँ से नीचे को लटका, पहाड़ी में लगी हुई थी। ये देखो अब नोबिता को चिज्जी दी जा रही है, उसको तड़पाना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देता है। हाँ नहीं तो खाता नहीं, अगर तड़पा के ना दो तो। आप वो देख मम्मी के पास, मेरे पास नहीं। मम्मी मम्मी फुलझड़ी चला रही है।
उठे उठे ओदे ओदे उठे चलो उठे अन्ने ओ देख आ दे हां हां आ देखो देखो दे ओदे चीजी किसने बता दिया था मैंने नौकर अच्छा क्या बताया था कि तेरी चाची है ये हैं फिर नया मुझसे मिलने आई है इधर पतिदेव बना रहे रोटी हैं सही बनाने लग गया ना नहीं बिल्कुल ट्रेनिंग अच्छी चल रही है आपकी अच्छी चल रही अच्छी चल एक जना रोटी बनाएगा एक जना सब्जी बनाएगा जिंदगी ऐसी चल जाएगी वेरी गुड वेरी गुड और क्या है ना नाया यस सीख लो आप भी कैसे बनानी है मुझे आती है अच्छा हां जी बना के दिखाना जी आधी पक्की है ये इससे सेको इससे ऐसे जी दीदी जी दीदी दीदी जी रिश्ता फाइनल कर लो पहले आप नहीं नहीं बीबी बीबी भिंडी के साथ रोटी खाई जा रही है अब तो खत्म भी होने लगी है कैसी बनी है अच्छी अच्छी बनी रोटी कैसी बनाई मैंने अच्छी एकदम बढ़िया बिंदास पास हो आप चल जाएगा हमारा घर आ गए पापा जी आ गए आ जाओ आ जाओ अरे खुल गया बारिश भी होने लगी है ये देखो जा ये कौन है कटिंग करा के आया कटिंग अंदर ही आ रहे थे पापा बाहर को भाग भाग के आई जा रहे हो मैं यहाँ पे छल्ली भून रहा हूँ प्रभु के लिए और पापा के लिए मम्मी के लिए नमस्कार पापा जी कैसन बा औरन बा ठीक बानी ठीक बानी रउआ के खाते तो का बतात बानी काली नु देदा बेद मार है फिर मैं काली नु दे के आनी मैं फिर खाना तू खाना खा फिर एक ही तो मिक्सी है नहीं क्या हुआ चलते चलते खराब हो गई क्या बना रहा था शेक उसे बना लेता उसे बनाता तो दारू आज ही बनाने लगा तो ठीक है दोस्तों प्रब की ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद